तरह से रात बिताकर प्रातः काल ब्रज की गलियों में आगमन होता है और जैसे आकुर का आगमन होता है तो आकुर के हृदय से एक भावना जगती है कि गच्छन पथि महाभाग गच्छन पथि महाभाग भगवतम बुजे चढ़े भक्ति परामुपगत एवमेतद चिंतयत। मेरा साथ आज भक्ति पूरी हो गई, कोई बड़ा अच्छा काम किया है, कोई सौभाग्य किया है जो बिहारी के चरणों में भगवत अम्बुजे प्रभु के चरणों में भगवान के चरणों में एक क्षण बिताने का अवसर मिला तो शायद आज हमने बहुत बड़ा शुभ कार्य किया। एक घड़ी आधी घड़ी आधी संगत साधु के हरे कोटि अपरा। अक्रूर जी को अपनी भक्ति पूरी होने का संकेत है क्योंकि मुझे मेरे बिहारी के दर्शन होंगे। भाव क्या होना चाहिए? अखियां हरि दर्शन को प्यासे हरि दर्शन को प्यासे अखियां हरि दर्शन को चाहत कमल नयन को देखन चाहत कमल नयन को देखन चाहत कमल हरि दर्शन को प्यासी हरि दर्शन को प्यासी हरि दर्शन को प्यासी हरि दर्शन को प्यासी अखिया हरि दर्शन को
कल्पना करते हैं, आप भी अगर अपने किसी प्रियतम के परिवार में रिश्तेदार में मिलने जाते हो तो बड़ी तमन्नाएं होती हैं कि जाते जाते सरप्राइज दूंगी, पहले बताऊंगी नहीं कि मैं आ रही हूं। आचार्य जी बिना बताए घर पहुंच जाएंगे, अंदर से आएंगे तो हर्षित हो जाएंगे, भाग कर मेरे गले लगेंगे। ये प्रेम का प्रतीक आक्रूर जी के नेत्रों में है, मन में कुछ ऐसी विचार चल रहे हैं। क्या कल्पना कर रहे हैं आक्रूर जी मार्ग में? अथावरूढ़ तापदी सयोरथा प्रधान पुंसोश्चरणं सुलभ्ये धियाधृतं योगी विरहं रुवं नमस्य आभ्यां च सकीर्ण बनोकसः। कैसे जैसे ही मैं मेरे सामने सरकार को देखूंगा, नंदलाल को देखूंगा, उनके बड़े भाई सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करूंगा, साष्टांग दंडवत करूंगा, रथ से उतर जाऊंगा। भगवान के मंदिर में आते हैं तो गाड़ी के ऊपर से ही बाहर आकर के चले जाते हैं, प्रभु के चरणों में दंडवत साष्टांग दंडवत किया जाता है, कल्पनाओं को सजाए हुए आक्रूर जी ब्रज में पहुंचते हैं। सुहत्त महागाति मन्य देवतम द्रोप्या बृहत्तभ्या परे तम आत्मा हितेथ क्रियते तदेव बंधस्य कर्मात्मक उच्चैतः। आक्रूर जी का आगमन हो गया, आगमन हो गया है, अतिथि परायणता जारी, आओ बैठो पियो पानी, तीन वस्तुओं मोल न लो। आओ जी बैठो जी, ये भाव होने चाहिए तब तो आनंद है, नहीं तो कोई बात नहीं। ब्रज में आक्रूर जी का स्वागत हुआ है, स्वागत किया है लोगों ने। आए छोटा सा चेतावनी गीत आगे पा कार्यक्रम को, बड़ा ही अलग टाइप का प्रसंग है। कि मुक्ति कर अपने जतन कर ले, सुबह शाम हारी सुमिरन करी ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करी ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, कर ले।
प्रभु को भजेगा तो प्रभु में हो जाएगा, प्रभु को भजेगा तो प्रभु में हो जाएगा, प्रभु को भजेगा तो प्रभु में हो जाएगा, आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, प्रभु को भजेगा तो प्रभु मैं हो जाएगा, आत्मा का मैल धुल जाएगा, आत्मा तिहारी का, आत्मा तिहारी का मिलन कर ले, आत्मा तिहारी का मिलन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, भजेगा तो प्रभु में हो जाएगा, प्रभु को भजेगा तो प्रभु में हो जाएगा, प्रभु तेरा आत्मा का मैल धुल जाएगा, आत्मा का मैल धुल जाएगा, आत्मा तिहारी का हो, आत्मा तिहारी का मिलन कर ले, आत्मा तिहारी का मिलन कर ले, कर अच्छे लोगों की संगत, कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की,
Oh, my God.